दिल्ली के जंतर मंतर पर दो दिन पहले मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन विवाद इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय का कार्यक्रम चल रहा था। अब अश्विनी उपाध्याय ये कह रहे हैं कि भड़काऊ बयानबाजी से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय के अलावा 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ और लोगों की तलाश इस वक्त जारी है। अब पूरी रिपोर्ट देखिए। अगस्त यानी रविवार की दोपहर को ये कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने किया था। दावा है कि ये आयोजन भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आयोजनकर्ताओं का ये भी दावा है कि वो सरकार से आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले देश के सभी अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन तभी इसी प्रदर्शन में कुछ भड़काऊ नारेबाजी हुई। कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। अश्विनी उपाध्याय का दावा है कि इस नारेबाजी से उनका और उनके आयोजन का कोई लेना देना नहीं था। वो कह रहे हैं कि उनके सामने ये नारेबाजी नहीं हुई। जैसे भीड़ बढ़ी, हमने बीच में कार्यक्रम खत्म कर दिया। हमने जैसे ही मुझे लगा कि अब क्राउड आ रहा है, हम वहां से 12 बजे चले गए। मेरा दिल्ली पुलिस से आग्रह है कि सबसे पहले तो इस वीडियो की जाँच कर ले, ये वीडियो सही है कि गलत है, और सही है तो ये कितने बजे ये वीडियो बना। मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, न मैं इसको जानता हूँ। ये जिस संगठन से जुड़ा हुआ है और जहां से भी जुड़ा मुझे नहीं पता है, उसकी जांच कर ले दिल्ली पुलिस और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। उस वीडियो को मैंने भी देखा है, वो वीडियो वहां फिल्माया नहीं गया है, वो उसकी लोकेशन ही नहीं है। असल में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो कनॉट प्लेस का पार्क होटल है उसके सामने वाली जगह दिख रही है, पार्क होटल भी उसमें नज़र आ रहा है, और वही पुलिस ने भी जो है स्थल बताया है और उसी वजह से जो है कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज है। उसमें एक पोस्टर भी है जिसमें आपकी फोटो भी लगी हुई है। अरे भैया, मेरा पोस्टर तो पूरे देश में फैला हुआ है, किसी को वीडियो बनाना है मेरा पोस्टर यूज करके वीडियो बना ले तो मैं क्या करूंगा। लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय समेत 5 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। कल रात उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक FIR दर्ज किया था 8 तारीख को, उसमें एक पर्टिकुलर संप्रदाय है उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां कुछ लोगों ने की थी, इस तरह का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो को भी हमने एग्जामिन किया और बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हमने किया उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है। जैसे ही इन लोगों की गिरफ्तारी की खबर हिंदू संगठनों को पता चली, उनके कई कार्यकर्ता दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में जमा हो गए। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को थाने से बाहर भगाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू संगठनों के ये लोग पुलिस से ही भिड़ गए। जानकारी नहीं है, हम क्या बयान दें? आप यहाँ जो आए ही नहीं है, हमें जानकारी क्यों भागे? हमें जानकारी नहीं है। आप यहाँ थाने जो आए हुए हैं किससे मिलने आए हैं, क्या पता क्या जानकारी हुई जो आप? हम दीपक सिंह हिंदू और आजाद विनोद की बड़ी बहन है, हमें कोई जानकारी ही नहीं है, तुम क्या बताएं? आप दीजिए पुलिस से लेकर जानकारी, मुझे हम भी तो इसी बात के लिए खड़े हैं, हमें जानकारी चाहिए। ये कोई आतंकवादी है? आतंकवादी है? रात को उठाने का मतलब क्या बनता है? रविवार को आप आए थे? हमें कुछ पता नहीं है। हाँ बिल्कुल आए थे। क्या हुआ था उसमें? कुछ नहीं हुआ। अपना अब हमने कुछ नहीं हुआ। जो मेरा भाई भीतर है, किस लिए भीतर है हम भी आपसे पूछ। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी को लेकर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी अश्विनी उपाध्याय को बेकसूर बता रही है। नारे लगा रहे हैं जिससे दंगा भड़क जाए, जिससे नफरत फैल जाए, जिससे समाज को विभाजित किया जाए, तो इसके बारे में गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सामने आके बोलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो
गुनाह करने वाले लोग हैं वही अगर सरकार में बैठे हैं तो कैसे इन चीजों को रोक पाएंगे। पर भाजपा को सत्ता चाहिए, सत्ता खिसक रही है क्योंकि कोरोना से लेकर पेगासस तक उनके खिलाफ के मामले हैं, यूपी का चुनाव है तो उन्हीं के जरिए सब करवाया जाए। आईबी क्या करती है? अगर हम कहीं दो साइकिल लेके निकलते हैं तो हमें पहले से रोक दिया जाता है, तो इंटेलिजेंस ब्रांच क्या उसको पता नहीं था कि इसको होने दिया, फिर एक दिखावे का एफआईआर होता है। अश्विनी उपाध्याय ने अपने मुंह से अपने मुख से कोई ऐसा नारा नहीं बोला, कोई शब्द नहीं बोला, उनके भाषण को मैंने सुना था लेकिन उसमें भी कोई आपत्तिजनक बात थी। हाँ, यदि किसी ने आपत्तिजनक और किसी दूसरे लोगों ने नारे लगाए हैं तो उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे केस में एक नया मोड़ तब आया जब आज सुबह गाजियाबाद के डासना से ये खबर आई। यहाँ डासना मंदिर में एक साधु पर बीती रात हमला हुआ। बिहार के रहने वाले ये साधु स्वामी नरेश आनंद सरस्वती डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के शिष्य थे और ये दावा है कि अश्विनी उपाध्याय के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे लेकिन बीती रात उन पर हमला किया गया। बिहार से आए हुए थे स्वामी नरेश आनंद जी, वो अश्विनी उपाध्याय जी के जो ये एक प्रदर्शन था दिल्ली में जंतर मंतर पर, उस पर भाग लेने के लिए आए थे। 7 तारीख की रात से वो यही मंदिर में रुके हुए थे, रात उन पर किसी ने हमला कर दिया है। स्वामी जी इस समय यशोदा अस्पताल में है गाजियाबाद नेहरू नगर में और ये बहुत दुखद घटना है। चारों तरफ पुलिस वाले हैं, यहाँ पर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि महंत यति नरसिंहानंद को पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। रात में पुलिस की एक टीम इसी मंदिर परिसर में रहती है लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद किसी ने मंदिर में सोए साधु पर हमला कर दिया। पहले एक कॉम में डर बैठाया गया, अब यहाँ भी डर ही बैठाने की कोशिश की जा रही है। ABP News आपको रखे आगे।